नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन रिटायर्ड शिक्षक निकले पदयात्रा से अयोध्या धाम। दौलत सिंह कुशवाहा श्रीराम लला के दर्शन करने अयोध्या धाम के लिए पदयात्रा पर हुए। रायसेन नगर के श्री हनुमान मंदिर पाटनदेव से वार्ड नंबर 14 निवासी रिटायर्ड शिक्षक दौलत सिंह कुशवाहा श्रीराम लला के दर्शन करने श्रीराम अयोध्या धाम के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हुए। रिटायर्ड शिक्षक दौलत सिंह कुशवाहा को फूल माला पहनाकर श्री हनुमान मंदिर पाटनदेव से रवाना किया गया। श्रीराम लला के दर्शन करने अयोध्या धाम जा रहे रिटायर्ड शिक्षक दौलत सिंह कुशवाहा ने बताया कि रायसेन से अयोध्या धाम की लगभग 650 किलोमीटर की दूरी का ये पैदल यात्रा वह लगभग 25 से 27 दिनों में पूरी कर लेंगे और अयोध्या धाम पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में 550 साल बाद रामलला की मूर्ति की स्थापना होना है और लोगों में भारी उत्साह है। सभी लोग चाह रहे हैं कि भगवान राम के दर्शन करें। ऐसी ही एक इच्छा जताई दौलत राम कुशवाहा, जो एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। वह रायसेन से पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सवेरे सवेरे उन्होंने पाटन देव के हनुमान मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद वार्डवासियों ने उनका फूल माला से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मेरी 20 से 25 दिन की अवधि में पूर्ण हो जाएगी। अयोध्या धाम जा रहा हूँ। जी जी, कितने देर में पहुँचोगे आप? लगभग 25 से थोड़ा एक दो दिन ज़्यादा लग जाएगा। करना है तो भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। यात्रा पर गया, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये रायसेन नगर के लिए सौभाग्य का विषय है कि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वरिष्ठ शिक्षक श्री दौलत राम जी कुशवाहा पैदल चल गए। हम सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश सराठे।